तो किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस गन्ने की बुआई की गई है ट्रेंच विधि से, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेंच का कुंड है। तो यहाँ पर दो साइड इसकी गन्ने की लाइन है और यहाँ पर जो ये बीच में जगह छुट्टी है, यहाँ पर हम लेंगे आलू की इंटरक्रॉपिंग। और फिर यहाँ पे दूसरा कुंड है, तो यहाँ पर भी दो लाइनें हो रही हैं। तो ये ट्रेंच विधि से गन्ना बोया हुआ है और इस पूरे प्लॉट में जो है 11,235 वैरायटी गन्ने की बोई हुई है। और आप देख सकते हैं इस गन्ने को बोए हुए हमें 1 हफ्ता हुआ है। और यह आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर गन्ना जर्मिनेट हो चुका है और इतना बड़ा पौधा हो चुका है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और ये पूरी लाइन जो है यहाँ पर गन्ने से, गन्ने की दूरी जो है 1.5 फीट है और यहाँ पर ये जो बीच की दूरी है लाइन से लाइन की वो 2 फीट है। और यहाँ पर जो ये जो जगह छुट्टी हुई है ये 4 फीट है। तो यहाँ पर मतलब कि कुंड से कुंड की दूरी जो है 4 फीट है और पौधे से पौधे की दूरी वो 1.5 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी जो है 2 फीट है। तो यह थी कुछ जानकारी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल INTS फार्मिंग शुगर केन को भी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा प्लॉट है ये 1 एकड़ का, यहाँ पर पूरे में C0 11,235 ही बोया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है और जो कि अर्ली में है और ये 2019 की रिलीज वैरायटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो गन्ना ग्रो होता दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी फास्ट जर्मिनेशन है इस गन्ने की। और किसान भाइयों, हम यहाँ पर आलू की इंटरक्रॉप जो है हम लेंगे इस पे। तो यहाँ पर जो ये बीच में खाली जगह यहाँ पर ये अब दिख रही है, यहाँ पर ये लाइन के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर आलू की इंटरक्रॉप लेंगे हम। तो उसकी बुआई हमें यहाँ पर मैन्युअली करानी पड़ेगी हाथ से,